संविधान से देश चली, लोकतंत्र से देश चली, तो बजरंग बली से देश चली। विजय कुमार के नेतृत्व में बिहार बना है और बनेगा। 8-8 बार का मुख्यमंत्री है, अब आज तक उनका रिकॉर्ड है, कोई है 8 बार का मुख्यमंत्री? अच्छा, किधर वोट दीजिएगा, जय हनुमान बोलकर या महागठबंधन जिंदाबाद? महागठबंधन। महागठबंधन यही सही है। प्रधानमंत्री हट गया थरिया लोटा से, कोरोना 3 साल बाद ही आता था। अच्छा, हट गया थरिया बजवाए लोटा बजवाए, थाली कोला कोरोना भाग गई, बत्ती कोला बत्ती कोला कोरोना भाग गई। तो जो पढ़ल कम लिखल रही क्या करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा। चाय के दुकान पर कितना महागठबंधन, कितना जय हनुमान और बजरंग मिले। ऐसे मामले में एक बार कुछ हुआ, हिंदू मुसलमान कीजिए, मामला चेंज हो जाएगा। इदारा उधर ही है जिधर आप समझ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी बैंस। एकदम टाँग टाँग करते रहिए, आना उन्हीं को। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, हम पटना में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था जय बजरंग बली बोलिए और वोट कमल को दीजिए। तमाम लोग हैं यहाँ पे भी, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे आगामी 2024 में चुनाव है क्या, जय बजरंग बली बोलकर वोट देंगे या फिर महागठबंधन जिंदाबाद। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। चाचा, एक सवाल है, जय हनुमान बोलकर वोट दीजिएगा कि महागठबंधन जिंदाबाद करके? महागठबंधन जिंदाबाद करके। नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि जय बजरंग बली बोलिए कमल के। संविधान से देश चले कि जय बजरंग बली के से देश चले? अच्छा, संविधान से देश चली, लोकतंत्र से देश चली, तो बजरंग बली से देश चली। मोदी जी कह रहे हैं कि बजरंग बली बोल के वोट दीजिए। वो कहने दे उनको, वो कहते हैं ना, हम ना कहते हैं। अच्छा, इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अभी प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी हम कैसे बताएंगे भैया, वोट दीजिएगा ना। अरे वोट देंगे तो हम अपने वोटवा ना देंगे कि सबका वोटवा देंगे? किधर दीजिएगा, हमको बोलिए दिया कि महागठबंधन के देंगे, गठबंधन को देंगे। हाँ, अब जीतेगा कि न जीतेगा ये हम क्या जानते हैं भैया। अच्छा, अब ये थोड़े आप कैसे दीजिएगा, जय बजरंग बली बोल के वोट दीजिएगा या महागठबंधन? हम तो महागठबंधन के समर्थक। महागठबंधन के क्यों? इसीलिए कि हम देख रहे हैं कि विकास का काम बिहार में हो रहा है। बिहार में विकास का काम हो रहा है? अच्छा, पहले के बिहार आज के बिहार में बहुत बड़ा अंतर देख रहे हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बना है और बनेगा। अच्छा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइएगा? हम लोग तो खूब चाहते हैं कि बने, खूब चाहते हैं। हाँ, आप क्या कहिएगा? अरे बहुत बढ़िया है उनको, नीतीश से बढ़िया के बात प्रधानमंत्री का लाए। 8-8 बार का मुख्यमंत्री है, अब आज तक उनका रिकॉर्ड है, कोई है 8 बार का मुख्यमंत्री? अच्छा, तब नीतीश से के ज्यादा जानता है? नीतीश जी प्रधानमंत्री के लायक है, ये है उनका में कहा चीज की कमी है, कहा चीज की उसमें कमी है? नहीं, प्रधानमंत्री लायक है, बिहार को बना है, देश को यही बना है। निकल है, इंजीनियर है, ये है, अब किस तरह का आपका निपड़ का बनाइएगा प्रधानमंत्री? अच्छा, निपड़ का देश चलेगा कि पढ़े लिखे से देश चलेगा? मोदी जी को हटा दीजिएगा? हम कहे के हटाएगा भैया, हमारा कौन पावर है हटाने का? महागठबंधन जिंदाबाद की जय बजरंगबली। किसको देना है? आप लोग में तो सबसे बड़ा खामिया है कि भगवान को कभी राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, राजनीति अलग है, भगवान अलग है। सुनिए एक मिनट, अरे भैया भगवान भगवान सबका है। पार्टी बेसिस पर बात करना है कि अति धर्म स्तर पर बात करना है? राजनीति में और धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। अच्छा, भगवान सबके हैं, हम लोग जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम सनातन धर्म को मानते हैं और जय श्री राम बोलते हैं, और राजनीति से इसको कभी नहीं जोड़ा कीजिए। अच्छा, समझे ना? और इससे ज्यादा क्या वोट किधर दीजिएगा? वोट समय आएगा, समय का इंतजार है। महागठबंधन के तरफ की बीजेपी जो जो धर्म हित के बात करेगा उसी को वोट देंगे। धर्म हित की बात करेगा? हाँ, अब बीजेपी कर रहा है कि कहो तो समय की बात है, हम बोल ऐसा समय वैसा काम करेंगे। आप किधर वोट दीजिएगा, जय बजरंग बली बोल के या महागठबंधन जिंदाबाद? हम सब दिन महागठबंधन को दिए, सब दिन महागठबंधन को। क्या लग रहा, महागठबंधन इस बार बनेगा सरकार? अब तो समय बताएगा ना, हमारे कहने से नहीं ना हो जाएगा। हाँ, तो जरूरी ना, विपक्ष भी मजबूत रहेगा तब ना होगा। अच्छा, चेंज होना भी चाहिए। हाँ, जरूरी है सब दिन। नहीं नहीं, वो सब हम लोग नहीं मानते। आप क्या चाचा? हम बोले हम बजरंग बली को हम देंगे, बजरंग बली को देंगे।
सर प्रधानमंत्री किन को बनाइएगा? नीति वो नरेंद्र मोदी हैं, रहेंगे वही रहेंगे। आपके साथी बोल रहे थे कि नहीं? बोलने दीजिए, अपना अपना थी, अपना अपना सोच है, अपना अपना सोच है। प्रधानमंत्री अच्छे हैं? अच्छे हैं, वही चलेंगे ना? वही चले, चलिए वही चलेंगे। और भी कुछ लोग हैं इनसे जुड़ेंगे। यहाँ पे किधर वोट दीजिएगा, जय हनुमान बोलकर या महागठबंधन जिंदाबाद? महागठबंधन, महागठबंधन। हाँ, का है महागठबंधन? यही सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले जय बजरंगबली बोल, वो बोलने दीजिए, वो तो थरिया लोटा सब बजवा दिए, कोरोना हट गया, हट गया थरिया लोटा से, कोरोना 3 साल बाद ही हटा था। अच्छा, हट गया, थरिया बजवाए, लोटा बजवाए। क्या मोदी जी ने कहा तो भक्त नहीं क्या आदमी ना? कि थाली खोला कोरोना भाग गई, बत्ती खोला बत्ती गला कोरोना भाग गई। तो जो पढ़ल कम लिखल रही क्या करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा? अंधभक्त बड़न सब बत्ती जला दे सब तार, कोरोना भाग गई, कोरोना भाग गई तब अंधभक्त नहीं जाओ तो उनका लेकर मोदी लिखा अंधभक्त नहीं ना आदमी, कोरोना भगा दिया थाली। मोदी जी पर काफी गुस्सा लग रहा है? ना ना, गुस्सा नहीं है, गुस्सा अच्छा, किसी पर नहीं है। अच्छा, गुस्सा कहला मुकेगा भाई, गुस्सा नहीं है। महागठबंधन जिंदाबाद। हाँ, महागठबंधन जिंदाबाद। बात हो रही है, जिनका जो बात है, जिनका जो चरित्र है, उस चरित्र के ऊपर बात है। मोदी जी पर गुस्सा नहीं है, किसी पार्टी पर कोई गुस्सा नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री बोले जय बजरंगबली बोलिए और वोट दीजिए, बोलना वो हर काम बोलते हैं। प्रधानमंत्री का कोई भी बोला हुआ फैसला अटल होता। अच्छा, तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपको हमारी ऊपर रह गया पालन करना, करेंगे नहीं करेंगे, इसमें तो उनका नहीं चलेगा। तो हम नहीं, हमारा चलेगा महागठबंधन। आपका चलेगा महागठबंधन? हाँ, अभी अभी आपने साथी से और पूछा, क्या जवाब दिया लोग, आप सुने होंगे इस बारे में। तो सुने तो बस उसी से मिलाइए कि चाय के दुकान पर कितना महागठबंधन, कितना जय हनुमान और बजरंग मिले। अच्छा, इसी से आप समझा जाए। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं कि क्या जय हनुमान बोलकर वोट देंगे या महागठबंधन जिंदाबाद। सर एक सवाल था, प्रधानमंत्री बोले हैं कि जय हनुमान बोलिए और वोट दीजिए, इधर लोग कह रहे हैं महागठबंधन जिंदाबाद, किधर वोट पड़ेगा? देखो बस एक चीज बताए हैं, धर्म की राजनीति जो करता है ना, हम उसको सही नहीं मानते। हाँ, समझ गए। जय हनुमान बोलिए, जय श्री राम बोलिए, या कोई भी बोलते रहिए, आप यंग ब्लड को सारा नौकरी नहीं दे रहे हो यार। हाँ, जाके देख लो मालूम है कितना बेरोजगारी है, एक दुकानदार से पूछो, ठीक है, एक दुकानदार से पूछो उसकी बिजनेस कैसे चल रही है। पढ़ा लिखा आदमी जानते हैं ठेला लेके घूम रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर मालूम है, सिर्फ वोट मांगना, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, समझ गए। हाँ, रहा बात की वोट कौन किसको देगा, तो भैया वो वक्त पर आने पर सब चेंज हो जाता है, सब फार्मूला सेट हो जाता है दिमाग में, सब चेंज हो जाता है। जैसे माले में एक बार कुछ हुआ, हिंदू मुसलमान कीजिए, मामला चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा, समझ गए। आप क्या कहिएगा अंकल? क्या बोले, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी किसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो तेज है वो आएगा सत्ता में। आप कितने चिल्लाते रहिए, इशारा किधर है? इशारा उधर ही है जिधर आप समझ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी जी की तरह एकदम टाइम टाइम करते रहिए, आना उन्हीं को है। चलिए, तमाम लोगों से जुड़ रहे थे और जा रहे थे कि क्या जय हनुमान बोलकर वोट दीजिएगा, जय बजरंगबली बोलकर वोट दीजिएगा या फिर महागठबंधन जिंदाबाद। तमाम लोगों ने अपना पक्ष रखा, किसी ने कहा बजरंगबली के नाम पर वोट देंगे, तो किसी ने साफ तौर पर कह दिया कि धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जिधर होगा समय आएगा पता चल जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ, धन्यवाद।